अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा आजकल हमें जिस टोकन की ज़रूरत है वो है टोन। तो टोन आप कहाँ से बाय कर सकते हैं, कहाँ से सेल कर सकते हैं, वो सारा कुछ आपको आज की वीडियो में बताने के लिए जा रहा हूँ। रिक्वेस्ट करता हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, इसको आपने लाजमी से ज्वाइन कर लेना है। तमाम अपडेट वगैरह मैं यहाँ पर शेयर करता हूँ। तो दोस्तों टोन के लिए सबसे बेस्ट वॉलेट कौन सा होता है? तो दोस्तों टोन के लिए सबसे जो बेस्ट वॉलेट है वो होता है टोनकीपर। प्ले स्टोर पर आपको टोनकीपर वॉलेट मिल जाएगा, इसको आपने इंस्टॉल करना है, इसके अंदर ही आपने टोन को रखने हैं। अब दोस्तों टोन आपने लेने कहाँ से हैं और किस तरह से आपने सेल करने, अगर आपके पास टोन पड़े हुए हैं उसको सेल कहाँ पर कर सकते हैं और वो कौन सी एक्सचेंज है जिस पर टोन की फ़ीस सबसे कम लगती है अगर आप वहाँ से टोन को बाय करते हैं। उसके अलावा टोनकीपर वॉलेट में आपके पास कोई भी करेंसी पड़ी हुई है उसको आप विड्रा किस तरह से कर सकते हैं वो भी आपको बताऊँगा। तो ये देखें, यहाँ पर टोनकीपर में मेरे पास पड़े हुए हैं USDT टोन, इसको मैं सेल करके भी आपको दिखाऊंगा, उसके बाद आपको बताऊंगा कि टोन आप कहां से ले सकते हैं। सबसे पहले ये USDT जो टोन के पड़े हुए हैं इसको मैं सेल करता हूं। तो दोस्तों टोन जो है, टोन का USDT जो है वो अभी मैं आपके सामने यहां पर सेंड करूंगा बाइनांस एक्सचेंज में। ऐड फंड इसके ऊपर क्लिक कर देना है, डिपॉजिट क्रिप्टो इसके ऊपर क्लिक कर देना है। पहले मैं सेल करने का तरीका बताऊँगा, उसके बाद आपको बताऊँगा टोन को बाय सेल आप किस तरह से कर सकते हैं। तो ये देखें USDT, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे थोड़ा सा आपने वेट करना है, यहाँ पर आपके पास नेटवर्क ऑप्शन आ चुका है। अब नेटवर्क आपने कौन सा सिलेक्ट करना है, टोनकॉइन, आपने टोनकॉइन को सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको जो एड्रेस मिलेगा ये एड्रेस आपने कॉपी कर लेना है। एड्रेस को कॉपी करने के बाद यहाँ पर मैं बैक आ गया हूँ, सेंड के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, जो एड्रेस मैंने कॉपी किया था बाइनांस से वो मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। अब दोस्तों सबसे ज़रूरी बात, यहाँ पर आपको मिलेगा मोमो आईडी आपने लाजमी कॉपी करनी है बाइनांस से। ये देखें मोमो मैंने कॉपी कर लिया है, कमेंट वाली जगह पे मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। उसके बाद कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करता हूँ। जैसे कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करूँगा तो इस वक्त यहाँ पर मेरे पास कितने पड़े हुए हैं वो आपको चेक करवाता हूँ। तो ये देखें यहाँ पर मैं USDT के ऊपर क्लिक करता हूँ, उसके बाद सेंड के ऊपर क्लिक कर देता हूँ, एड्रेस मैं यहाँ पर पेस्ट करता हूँ। तो ये देखें दोस्तों यहाँ पर मैंने USDT का एड्रेस भी लगा दिया, यहाँ पर मोमो आईडी भी लगा दिया। सिंपल मैं कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देता हूँ, इसके बाद एक USDT मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, कंटिन्यू के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही मैं कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करूँगा कन्फर्म एंड सेंड, इसके ऊपर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ। जैसे मैं यहां पर क्लिक करूंगा कुछ ही देर में मेरे जो USDT होंगे टोन वाले वो बाइनांस में चले जाएंगे। ये मैंने आपको सेल करने का तरीका बताया है। टोन कीपर में आपके पास कोई भी करेंसी पड़ी हुई है, आपने मोमो आईडी भी जो आपको एक्सचेंज से मिलती है वो भी आपने लगानी होती है, तो कुछ ही देर में मेरे जो होंगे USDT यहाँ से कट हो जाएंगे। तो अब आपको बताता हूँ कि जो टोन कॉइन है वो आप कहाँ से बाय कर सकते हैं। तो दोस्तों टोन कॉइन बाय करने के लिए अब ये देखें, आपने जो टोन कीपर का वॉलेट है वो आपने कॉपी कर लेना है, एड्रेस रसीद के ऊपर यहाँ पर क्लिक कर देना है। ये जो आपका एड्रेस है इसी एड्रेस पे टोन कीपर में आपके पास जो टोन होंगे वो आ जाएंगे। अब टोन कहाँ से लेने हैं वो आपको चेक करवाता हूँ। तो दोस्तों टोन लेने के लिए जो सबसे बेस्ट एक्सचेंज है जिसकी फ़ीस टोन की सबसे कम है वो है ओकस एक्सचेंज। ओकस एक्सचेंज के अंदर आपने डॉलर भेज देने हैं, जो भी आपकी करेंसी होगी वो आपके यहाँ पर आ जाएगी। उसके बाद आपने सिंपल ट्रेड के ऊपर क्लिक कर देना है ओकस एक्सचेंज में। ट्रेड के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपने ऊपर सर्च कर लेना है टोन। ये देखें आपने यहाँ पर आल के ऊपर क्लिक करके आपने यहाँ पर टोन को सर्च कर लेना है। जैसे आप टोन को सर्च करेंगे टोन USDT का पेयर आ जाएगा, आपने बाय के ऊपर क्लिक करना है। जितने भी आपके पास डॉलर होंगे वो सेल हो जाएंगे, आपको टोन मिल जाएंगे। अब टोन को आपने ओकस एक्सचेंज से विड्रा करके किस तरह से टोन कीपर में भेजना है, अब आपके पास जो टोन आ चुके हैं आपने सिंपल विड्रा के ऊपर क्लिक कर देना है। विड्रा के ऊपर क्लिक करने के बाद विड्रा क्रिप्टो आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। अब उसके बाद आपने करेंसी सेलेक्ट कर लेनी है, जो भी आपकी करेंसी है टोन है तो टोन आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लें। ऑन चेन के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। अब जो एड्रेस आपने वहाँ से कॉपी किया था टोन कीपर से वो आपने यहाँ पर पेस्ट करना है। यहाँ पर सेलेक्ट नेटवर्क ऑप्शन है, ये खुद ही यहाँ पर टोन आ जाएगा, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। और यहाँ पर दोस्तों देखें मिनिमम इसमें 0.02 टोन का भी आप यहाँ पर विड्रा कर सकते हैं, जो कि बहुत ही कम बनता है। और नीचे अगर फीस की बात करें तो 0.01 टोन इसकी फ़ीस बनती है, जो कि पाकिस्तानी तकरीबन 4 से 5 रुपये मिलती बनती है। तो दोस्तों ये तरीका है टोन को बाय करने का। बेस्ट जो एक्सचेंज है वो ओकस एक्सचेंज है। ओकस एक्सचेंज का यूज़ करके आप टोन बाय भी कर सकते हैं, टोन यहाँ पर आप सेल भी कर सकते हैं। इसके अलावा जो टोन कॉइन है यह बाइनांस के अंदर भी बहुत जल्द लिस्टिंग होने वाला है।